दोस्तों आपने ये कहावत तो सुनी ही होगी, आम के आम और गुठलियों के दाम। ये कहावत रिलायंस के ऊपर एकदम सटीक बैठती है। बात दरअसल ऐसी है, क्या आप जानते हैं रिलायंस इस दुनिया की सबसे बड़ी मैंगो एक्सपोर्टर कंपनी है। अब रिलायंस का नाम सुनकर चौंक गए होंगे ना, क्योंकि रिलायंस वो कंपनी है जिसका नाम आते ही दिमाग में पेट्रोलियम आइटम और जियो के सिम आते हैं, आम तो कभी नहीं आते। तो अब सवाल ये आता है कि रिलायंस के साथ ऐसा क्या हुआ था कि उनको आम भी बेचने पड़ रहे हैं। गजब की जानकारी देंगे इस वीडियो में, इसीलिए हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए बात 1997 की है, जब पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से रिलायंस की कंपनी को एक इनिशियल नोटिस मिलता है जिसमें लिखा होता है कि आपकी जामनगर वाली रिफाइनरी बहुत ज्यादा पोल्यूशन कर रही है और अगर आप पोल्यूशन कम करने के लिए कुछ ठोस कदम नहीं उठाते हैं तो आपकी रिफाइनरी पर ताला दिया जाएगा। अब देखिए रिफाइनरी है तो पोल्यूशन तो करेगी ही करेगी, लेकिन अंबानी जी जब वो तेज आदमी है, उन्होंने पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के लोगों से डिस्कशन किया कि देखिए रिफाइनरी से निकलने वाला धुएं को तो कम नहीं कर सकता, लेकिन अगर मैं ये पोल्यूशन को एब्जॉर्ब करने के लिए मैं पेड़ लगा दूं तो चलेगा क्या। उसके बाद अंबानी जी ने रिफाइनरी के चारों ओर 600 एकड़ में 1,00,000 से ज्यादा आम के पेड़ लगा दिए और बन गए दुनिया के सबसे बड़े एक्सपोर्टर। दोस्तों इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना।